cancer, and I'm very glad that I'm part of this cause because यहाँ इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ. और मिस्टर एंड मिसेस साज का जो अवार्ड फंक्शन है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, सो आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस. इट्स अ कॉज फॉर कैंसर पेशेंट्स, ये कितनी अच्छी बात हो जाती है अच्छे कॉज में. आई थिंक किसी भी कॉज में यू नो आपका होना, इन्वॉल्वमेंट होना, और हम लोग तो सिर्फ एज अ गेस्ट आते हैं. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो इस चीज़ को जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो इस चीज़ को बनाते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक होती है. वी तो जस्ट कम एंड वी यू नो हम लोग अपना जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन जो ये क्रिएट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आज लोगों की हेल्प हो जाती है, इतने लोगों की हेल्प हो जाती है. सो आई थिंक हमारे इंडिया में ऐसे और लोगों की ज़रूरत है जो ये सारी चीज़ें करते हैं. आज के मुख्य बारे में आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अमेजिंग लुक लग रहा है आपका. बीइंग अ महाराष्ट्र गर्ल, महाराष्ट्र का वोट में आके कितनी गर्व की बात हो जाती है आपके लिए? मराठी होना ही एक गर्व की बात है. और महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, यू नो मैं इंदौर से हूँ लेकिन वहाँ पर भी मराठी हो गया, तो मैं वहाँ की महाराष्ट्र हूँ, लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू बी अ मराठी गर्ल. एंड लुक एज यूजुअल साड़ी पहनी है, और साड़ी से मुझे बहुत प्यार है इसीलिए आज की साड़ी पहनी. अकीला जी, आपके हाल ही में लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, आप क्या कहना चाहोगे उस शो को लेके? आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल आर लाइकिंग द फिल्म. और हमेशा अच्छा लगता है लोग आपके यू नो आपकी चीज़ें देखें, सराहें और उसे अप्रिशिएट करें. इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर. क्या कहना चाहोगे लोगों की तरफ से, व्हाट सोशल मीडिया से किस तरह का रिस्पॉन्स आया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. मुझे ऐसा लगता है, मैं सच बोलूँ, मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ. मुझे जब अच्छा लगता है, मैं खुद अपने आप को देख के बहुत खुश होती हूँ, एंड उसके ऊपर लोगों का प्यार मिल जाता है तो आपको और अच्छा लगता है. और लगता है कि यू नो फॉर योर फैंस यू शुड वर्क. अभी विक्की ने देख ही नहीं है क्योंकि विक्की अभी तक आए नहीं है मुंबई, लेकिन वो साथ में देखने का उन्होंने प्रॉमिस किया है. सो जैसे ही वो आएंगे तो मैंने उनकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है. मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है वीर सावरकर जो कि रणदीप हुड्डा के साथ है, सो दैट विल बी ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले, एंड आई रियली होप लोगों को मेरा काम अच्छा. काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, स्पेशली रणदीप का फर्स्ट लुक के बाद. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर रोल इन दैट फिल्म? वो आपको देख के पता चलेगा. थैंक यू, थैंक यू सो मच. कैंसर पेशेंट्स को भी ऐसे था कि एक वॉक मिले उनको, वो मतलब एक मन में बहुत सारी चीज़ें रह जाती है जो कर नहीं पाते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था. और कैंसर के लिए जो कॉज रखा गया है तो उनको लाके एक वॉक दिया, उनका क्राउनिंग हुआ. और मैंने पहले ही बोला है कि जो महाराष्ट्र की मुर्गी मुझे चाहिए थी अंकिता लोखंडे, जैसे मैंने एक्चुअली जब साज इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट का जब मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 ये जब हम लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, वो टाइम पे सेलिब्रिटी गेस्ट किसको लाना, ये जो अब सवाल आया था, तो हम तीनों का म्यूचुअल एक ही नाम आया था वो टाइम पे कि अंकिता लोखंडे. काफ़ी हमें लगा कि वो महाराष्ट्रियन है, मराठी है, और हम चाहेंगे कि वो और आगे बढ़े. हमारी दुआ, हमारा प्यार, हमारा हमेशा आपके साथ है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सूरज, ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे मिस और मिसेस कैटेगरी से दो कैटेगरीज के हैं. से ही है कि और भी अदर स्टेट्स? नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से है क्योंकि मिस और मिसेस महाराष्ट्र है, तो लेकिन महाराष्ट्र के पूरे
पूरे महाराष्ट्र से, विदर्भ से, मराठवाड़ा से, पश्चिम महाराष्ट्र से, मुंबई से, तो पूरे महाराष्ट्र से कंटेस्टेंट्स यहाँ से आए, मिस और मिसेस कैटेगरी दोनों। मैं भी कब से वेट कर रही थी, मैं कब जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। बोल दिया मैंने, बहुत सारा। थैंक यू।